वो तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी, तेरी आवाज है हम। स्वयं आग लग गई। सज्जन साधकों तो आए इन सेवाओं के माध्यम से। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग और संडे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो ये सोच रही थी कि मैं सबका स्वागत करूं, लेकिन आप बैकग्राउंड में सुनिए, बजी चेरी सब आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आपका हमारे ब्लॉग में हम सब की ओर से तहे दिल से स्वागत है। और हम आज संडे है तो हम बहुत लेट आराम से उठे हैं। मैं तो अभी बस चाय पी रही हूँ, इसलिए मैंने तो कल दिन में जो पहना था वही पहन के सो भी गई। मैं 3 बजे मैं ये सोच के कल संडे बहुत लेट उठूंगी और सुबह कभी कूड़ा वाला कभी कोई मुझे सोने ही नहीं दिया नाम गा देने, फिर मेरी नींद ही नहीं। तो अब मैं आज दिन में सोई, लेकिन अभी मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ा सा हेयर की ऑयलिंग वगैरह, हेयर ऑयल करना है, जिया की भी करनी है, तो ये सब करते हैं। और अरायला की ड्राइंग आज पक्का 100% दिखाने वाली हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है उसने। सोचा कभी तुम सा भाग्यशाली, कौन है संसार में, कौन है संसार। आपको आवाज भी आ रही होगी, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। चलो चलो मेरे साथ, चलो खिसको खिसको। देखो भूतिया माहौल बना के कर रही हूँ। तो मैं जल्दी बाहर इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मेरे को चप्पल पड़ सकती है अगर मम्मी उठ गई तो उससे अच्छा है कि जल्दी बाहर आ जाओ। चलो अभी के लिए बाय, मैं नहा के मिलती हूँ, बाय बाय। देखो दोस्तों, मैंने कल ही नन्नी को सिखाया और आज ही नन्नी सीख गई। क्या? कल ही सिखाया था रात को 3 बजे तक जग के। दोस्तों मैं 1 बजे तक जगी थी, उन्होंने मेरे को कब नींद में सिखाया? अनकॉन्शियस माइंड में गई मैं तेरे। कुछ भी नहीं आता पता है ना, पेंटिंग लाइन को बस स्केचिंग मिल जाती है। कुछ भी बकरी हो ना नन्नी, तू अभिमन्यु है, तू अभिमन्यु के जैसे मेरे पेट से सब सीख के आई है तू। नहीं, आपको कौन सा आता है जो मैं सब सीख के आई हूँ। तो दोस्तों बेइज्जती कराने के बाद चलते हैं किचन की तरफ। आपको सुनाई दे रहे हैं कितने जोर से कर रही है, देख के आते हैं कैसे। वे मिस्टर इंडिया। ओ हेलो, आज नाचू मैं ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, देख नहीं रहा। ये तो कोई देख भी रहा होता है ना तो भी ऐसे ही नाचती हैं पागलों के जैसे। देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, देख नहीं रहा। ये भी है जैसे कोई देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, देख नहीं रहा। नहीं हो ऐसे नाच रही है, देख रही हो कितने पागल है ये। क्या नाच गिरे, ये मेंढक डांस कैसे कर रही हो आप? लोगो आप बोर हो रहे हो तो मेरी गलती नहीं है, ये पागल हो गई है। तो गाइस मैंने तो आज बहुत मजे लिए, डांस भी किया, इंजॉय किया, मस्ती करी और अब मैं थक गई हूँ। अब है पढ़ाई का टाइम, लास्ट का टाइम है मेरी पढ़ाई। पता लगेगा।
और आयना सुबह से जिस पेंटिंग में मेहनत कर रही थी वो उसने बना दिया है। 4 घंटे लगे, 4 घंटे लगा के अभी तक उसने मुझे दिखाई नहीं है। कह रही है मैं पहले ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। इसको देखते हैं ना कि बहुत जल्दी बन रही है, ऐसा नहीं है। कलर मिक्सिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा। अच्छा दिखा तो दे, तारीफ कर दे। 1, 2, 3 Oh my God, नन्नी तूने तो मुझे बना दिया। आपने नहीं, मैं हूँ। वाह नन्नी, क्या पेंटिंग बनाई है तूने। फट भी गई है। नहीं नहीं, वो तो फटी नहीं है, वो ऊपर को हो रही है जो तूने पेंट किया ना उसकी वजह से। मस्त नन्नी, एकदम मस्त। तूने मेरे को ही ध्यान में रख के बनाया होगा ना। ये लड़की बनाने बहुत टाइम लगे, मैंने 3 पेज फाड़ दिए इसके चक्कर में। ओहो चल, बस तो बनी है लेकिन। वाह नन्नी, दोस्तों मेरी बेटी की तारीफ करो। कल ही सिखाया, आज ही बना भी दिया। इनको नहीं आता, इनको कलर मिक्सिंग में एम भी सी भी नहीं आता। कलर मिक्सिंग में सी कहाँ पे होता है? सी कलर। मैंने सोचा काली वाली थी, नहीं दे दी मुझे। नहीं मैंने आज तक नॉर्मल वाली नहीं दी है, को इतनी बड़ी हाई लेवल की तो खाई दूंगी। हाई लेवल की गाली है, हीरोइन की गाली है। दिखाने नहीं, दिखी नहीं रही, दिखी नहीं रही वीडियो में। गंदी सी नन्नी, अगर इस पर पूरा कलर करा जाए तो अच्छी तो लगेगी ना। जस्ट देखो ये देखो, देखो देखो भंगू को। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं पैसे फूंकने, थोड़े से पैसे खर्च करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। हम जिंदगी जीने के लिए, उसका लुत्फ उठाने के लिए थोड़े बहुत तो खर्च करने पड़ रहे। मैंने इतना अच्छा परफ्यूम लगाया और उसके बाद ये कह रही है कि इस परफ्यूम की स्मेल इतनी गंदी आ रही है, बेइज्जती कर दी मुझ पे। और मैंने एक गाना सिखा है, उसके एक बोल सुनाती हूँ। कैंदी हुंदी सी चंतकरा बना दे। दोस्तों ये सी दूसरा वाला सी नहीं लग रहा। ये इसकी सोच ही गलत है दोस्तों। दोस्तों को भी यही लगा होगा जब आपने पहली बार नहीं बोला कैंदी। पंजाबियों को तो नहीं लग सकता, वो तो हर बात में ही बोलते ना, कैंदी हुंदा सा, कैना हुंदा सा, कैना ही बोलते हैं। लड़की के मामले में तो कैंदी हुंदी सी ही बोलेंगे ना। कैंदी हुंदी सी चंतकरा बना दे। सुनना दोस्तों, मैंने इस पे थोड़ा सा डांस भी किया है। मैं रोस्ट करूंगी इसको, इस गाने को। तू चाय पत्ती वाले एड को रोस्ट करने वाली थी। कौन सा चाय पत्ती? मैंने चाय से कहा, मैं एक एड है इतना वाहियात। हाँ वो बोलती है, मैंने चाय से कहा कि आज मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है चाय पीने का, और चाय से ही कह भी रही है और वक्त भी नहीं है। चाय की प्याली भी है उसके हाथ में, इतना वाहियात एड है ना वो। मैंने चाय से इतना मेकअप करके इतना वो कर, हम ही बना के दे देते। साफ पता चल रहा था उसने भी फाउंडेशन लिया था, गला अलग मुंह अलग दिख रहा था। लड़की के दे कैंदी हुंदी सी चंतकरा बना दे। यो ट्रिगर इंसान ने मेरी लाइन खराब कर दी। मैं कल तक सही गा रही थी, चंतक राह बना दे। उसने कल चंतकरा करा था एक ब्लॉग में, आप मेरी जुबान पे वही आ रहा है। तो गाइस वैसे हमने घर के ही कपड़े पहने हैं, लेकिन हम पास में ही जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे। बस कंगी कर रही है, हाथ ही थक गया रे। तो गाइस पहुंच चुके हैं मैकडी और बर्गर वगैरह ऑर्डर किया है, खा पी के फिर चलेंगे। कहाँ बैठी है क्यूटी पाई? चेरू सबको हेलो बोलेगी क्या? नहीं उतरना थोड़ी था। चेरी गुड नाइट, चेरी गुड नाइट। तो जो हमारा मिट्टू है उसकी वजह से मैं अपना गला साफ कर रही हूँ, क्योंकि कोल्ड तो ठीक हो गया बट गला भी रह गया है। उसका रीजन ये था, जो थोड़ा बहुत ठीक भी हो रहा था, हम आज गए थे ना मार्केट में तो मैंने गोलगप्पे खा लिए थे, उससे मेरा गला थोड़ा सा और ज़्यादा बैठ गया। एनीवे आज के ब्लॉग को अभी यहीं पर हम एंड करेंगे। और एक जो चीज़ रह गई आज, वो फिर से रह गई, वो रह गई इंटरव्यू विद अराइना।
उसका रीजन ये है, ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम था, बट ऑलरेडी आज हमने बहुत व्लॉगिंग करी थी। अगर फिर इंटरव्यू वाला भी पोर्शन करते ना, उसके वजह से हमारा आधे घंटे से ऊपर का व्लॉग चला जाएगा, इस वजह से हमने नहीं करी। अब ये हम नेक्स्ट डे करेंगे किसी दिन, कल मंडे है, कल अगर समय मिलेगा तो कल करेंगे, अदरवाइज परसों 110% करने वाले हैं। कोशिश तो करेंगे कि कल ही करें, बट अगर कल टाइम नहीं होगा तो फिर परसों करेंगे। और मार्केट गए थे तो मैं कुछ इयररिंग्स वगैरह लेके आई। अब मैं दिखाती हूँ, यहाँ पहनी है, यहाँ नहीं पहना क्योंकि इसकी जो वो डंडी है वो थोड़ी सी ना मोटी है। अब इसमें तो इस वाले में आ गई, इस पे आई नहीं तो मैंने पहनी नहीं। अब कल देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं बस दो तीन पेयर इयररिंग्स के लेके आई थी। हम लोग गोलगप्पे खाए, उसके बाद बर्गर खाया, उसके बाद फ्रेंच फ्राइज की खा पी करके मतलब हम लोग आ गए थे। और मेरी फ्रेंड हैं जो, उन्होंने कुछ सामान लेना था तो उन्होंने सामान लिया था अपने लिए और अपने डॉटर के लिए, और मुझे कुछ लेना ही नहीं था, बट इयररिंग तो मैं ऐसे ले आई। और वो इयररिंग फालतू की 250 की ले आई और ऊपर से फिट भी नहीं आ रही। और जो मैंने अभी ये पहनी है, दिखाती हूँ, इसमें दिखाती हूँ, ये ज़्यादा अच्छी। ये पहले मैं बहुत गोल्ड के पहनती थी ना, इसलिए मेरे जो फ्रंट वाले जो ये वाले होल हैं ये बहुत बड़े हैं। एनीवे, तो ये चांदी के हैं, ये भी वो मेरी फ्रेंड के हैं, उन्होंने मेरे को दिए थे कि आप पहनो भूल के, क्योंकि ना अभी मुझे सब चांदी चांदी, ये यहाँ पे जो मैंने अभी रिसेंटली कान छिदवाए थे ये भी सिल्वर का चांदी के हैं, तो अभी गोल्ड के मैं यहाँ पे पहनती हूँ। बहुत स्नैचिंग वगैरह भी होती है, मेरे घर पे रखे हुए हैं बट यहाँ पे नहीं है मेरे पास में, और मैं पहनती भी नहीं हूँ ज़्यादा, प्रिफर नहीं करती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार दिल्ली में, और मैं चाहती नहीं कि मेरे इयररिंग्स के बदले में कोई मेरा कान ही काट के चला जाए। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।